फिर से बना एक नया रिकॉर्ड। विराट और शुभमन के बाद उसी रिकॉर्ड की सूची में अब होगा अनिल और भीम का नाम। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। इस साल 2024 में नेपाली टीम पूरी तरीके से फॉर्म में है। साल के शुरुआत से ही रिकॉर्ड की छड़ी लगा दी है नेपाली टीम। सेकंड मैच में फास्टेस्ट 50 की रिकॉर्ड हो या आज के मैच में हाईएस्ट पार्टनरशिप की, एक के बाद एक रिकॉर्ड आपने नाम कर रहा है नेपाली टीम और धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहचान बना रहा है। बताएं कि आज यानी 12 फरवरी को नेपाल और कनाडा के बीच तीसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा था और इस तीसरे ओडीआई मैच में नेपाल ने टॉस जीतकर कनाडा को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था। पहले बैटिंग करते हुए कनाडा की टीम 50 ओवर में 232 रन ही बना पाई। इसके जवाब में नेपाल के लिए दो ओपनर कुशल भुरतेल और अनिल शाह ने टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई और भुरतेल जल्द ही आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने उतरे भीम सारकी और अनिल शाह ने मिलकर टीम की कमान संभाली और नेपाल टीम के लिए एक नया इतिहास रचा दिया। बताएं कि इन दोनों ने मिलकर नेपाल ओडीआई क्रिकेट इतिहास का सबसे ज्यादा सेकंड विकेट पार्टनरशिप लगाई और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में शुभमन गिल और विराट कोहली के पार्टनरशिप को तोड़ते हुए इन दोनों की पार्टनरशिप अब 69 नंबर पर आ गई है। और शायद नेपाल क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि दोनों खिलाड़ी एक ही मैच में और एक ही साथ नॉट आउट रहकर शतक बनाया हो और 233 रनों का पीछा करते हुए नेपाल टीम को 9 विकेट से एक दमदार जीत दिलाई हो। इस जीत के साथ नेपाल ने इस बायलेटरल सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है और इस पारी को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल नेपाली राइनोज की तरफ से और भी रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। तो आपको आज नेपाल टीम की बैटिंग कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद।